सो गाइस यहाँ पे मेरा वर्ड रेडी है इलास्टिक करके, और सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंट्रोल वाई करके मेरा एक सॉलिड क्रिएट करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ मैप, क्योंकि यहीं पे हम हमारे इफेक्ट जनरेट करने वाले हैं हमारे टेक्स्ट को स्ट्रेच करने के लिए। अब उसके बाद इसी लेयर के ऊपर, मैप लेयर के ऊपर इफेक्ट में जाके मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ ग्रेडियंट रैम्प। तो मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट रैम्प अप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, लेयर पैनल में आके आपको न्यू राइट क्लिक करके न्यू में जाके दो नल ऑब्जेक्ट जनरेट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों नल ऑब्जेक्ट भी जनरेट कर लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, इस लेयर मैप लेयर पे को सिलेक्ट करते हो, इसकी इफेक्ट को यहाँ पे ऊपर लॉक कर देना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे दोनों नल लेयर को सिलेक्ट करना है और उसका पी प्रेसर्स के दोनों की पोजीशन प्रॉपर्टी रिवील करनी है। अब मुझे क्या करना है, जो यहाँ पे ग्रेडियंट रैम का स्टार्ट रैम ऑफ रैम वाला प्रॉपर्टी है उसकी स्टॉपवॉच के ऊपर ऑल्ट करके क्लिक करना है ताकि एक एक्सप्रेशन ओपन होगा। तो ये स्टार्ट रैम का जो पिक व्हिप है उसे मुझे क्या करना है, किसी भी एक नल के साथ मुझे क्या करना है, उसको पेरेंट करना है। तो मैं इसको पेरेंट कर देता हूं मेरे नल नंबर 70 के साथ। दोनों में से कोई भी नल अभी यूज कर सकते हो गाइस। अब दूसरा क्या करना है, वापस मुझे एंड वाला रैम के ऊपर जो प्रॉपर्टी है उसकी स्टॉपवॉच के ऊपर ऑल्ट करके क्लिक करना है ताकि उसका भी एक्सप्रेशन बॉक्स ओपन हो और उसके भी पीक वीक को हम क्या करेंगे, दूसरे जो दूसरा नल हमारा बाकी रहेगा उसकी पोजीशन के साथ हम क्या कर देंगे, पेरेंट कर देंगे। अब क्या करना है, यहां पे मैं नाम दे देता हूं दोनों नल को। तो इसको मैं दे देता हूं स्टार्ट करके और यहां पे मैं दे देता हूं एंड, यहाँ पे मेरा नाम देता हूँ मैं एंड। तो ये दोनों मेरे यहाँ पे हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट अभी हमारा काम यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब दूसरी चीज, उसके बाद मुझे क्या करना है भाई, इस लेयर को मैं नीचे की तरफ लेने चाहता हूं, पर सबसे पहले मेरा पोजीशन मुझे दोनों नल का सेट करना है यहाँ पे। तो फिर से पोजीशन ओपन करते हैं। अब मेरा जो कंपोजिशन साइज है 1280x720 है, तो मुझे क्या करना है, दोनों नल को हॉरिजॉन्टली एज के ऊपर सेट करना है। तो जो मेरा स्टार्ट वाला नल है वहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं 1280, तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जो एंड वाला नल है यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ 0, तो यहां से पिक्सल की वैल्यू 0 से 1280 की होती है। सो दैट्स व्हाई ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप ग्रेडियंट रैम्प यूज कर रहे हो किसी बेटर इफेक्ट के लिए, जहां पे आपको पिक्सल की डिटेल्स बहुत बेटर तरीके से दिखाना और बेंडोइंग अवॉइड करना है, तो यहां पे आप हमेशा यूज करो 16 बिट। अगर आपका यहाँ पे 8 बिट दिख रहा है तो जस्ट क्लिक ओवर हियर, तो यहां पे आपको डेप्थ का ऑप्शन दिखेगा। यहां पे जाके आपको क्या करना है, खाली 16 बिट चूज कर लेना है, ये चीज ध्यान में रखना। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा टेक्स्ट वाला इफेक्ट है उसको हम टेक्स्ट वाले इफेक्ट के नीचे ले जाके रख देते हैं और जो हमारा टेक्स्ट का लेयर है उसके ऊपर जाके इफेक्ट अप्लाई करते हैं, जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैप यूज कर लिया है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट किस हिसाब से अप्लाई करना है या किसके बेस के ऊपर, किसे रेफरेंस लेके अप्लाई करना है हमारे टेक्स्ट के ऊपर, तो उसके लिए यहाँ पे हमें मैप लेयर चूज करना पड़ेगा। जो हमारा मैप लेयर ऑलरेडी हमने क्रिएट किया है उसको यहाँ पे चूज करते हैं और यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं इफेक्ट मास्क हमारे डिस्प्लेसमेंट में इफेक्ट के अंदर। अब उसके बाद हमें जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए हॉरिजॉन्टली चाहिए, वर्टिकल नहीं चाहिए, तो ये जो वर्टिकल वाला ऑप्शन है यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसको ऑफ कर देंगे और हॉरिजॉन्टल में हम जो सिलेक्ट करेंगे वो ल्यूमिनस। रीजन, क्योंकि हमारे जो मैप के अंदर वैल्यूज है ल्यूमिनस की है ब्राइटर पिक्सल टू डार्कर पिक्सल, तो इसलिए हमने ल्यूमिनस का ऑप्शन यहाँ पे चूज किया है। दूसरा, यहाँ पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो रहता है वहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ 300 वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी वैल्यूज अप्लाई कर सकते हो, जो आपके कंपोजिशन की साइज और टेक्स्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो वो आपको चूज करना पड़ेगा। अब ये हो जाने के बाद एनिमेशन करने से पहले मैं बता दूं ये काम कैसे करने वाला है, तो थोड़ा इसको जूम करते हैं यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो एंड वाला ऑप्शन है, अगर मैं इसको मूव करता हूं, आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा टेक्स्ट प्रॉपर तरीके से स्क्वीज होते जा रहा है और एक्चुअल साइज अपना वो क्या कर रहा है, ग्रैप कर रहा है। और कितने पिक्सल के हिसाब से, तो जो मैंने यहाँ पे मैप इलास्टिक के ऊपर 300 पिक्सल दिया था उतने पिक्सल का वो स्ट्रेच होकर अपनी ओरिजिनल फॉर्म को क्या कर रहा है, ग्रैप कर रहा है। तो इसको अंडू करते हैं और ये इसका एक बेनिफिट ये भी है, दोनों साइड काम करता है। तो अभी मैंने एंड वाला किया, अब अगर इसको करूंगा तो देखो यहां पे भी बिल्कुल सेम तरीके से ये काम कर रहा है। तो दिस इज रियली वेरी यूजफुल, ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल इफेक्ट है। और गाइस आगे जाने से पहले इतना ध्यान में रखना, इसके एंड में भी मैं आपको इसके बहुत ही बेनिफिट्स बताऊंगा, प्लस कैसे ये डिफरेंट है अदर इफेक्ट से जिसको आप यूज करते हैं अब तक टेक्स्ट को स्ट्रेच वाला इफेक्ट जनरेट करने के लिए, तो एंड तक बने रहना। दूसरी चीज, मैं ऑलवेज कुछ नया फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं आपके लिए, जो बहुत ही बेटर तरीके से आप यूज कर सको अपने काम के अंदर, प्लस इसके और भी यूज दिखाने वाला हूं एंड में, जिसको आप मल्टीपल वे पे अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो, ना कि ओनली टेक्स्ट के ऊपर, अलग अलग चीजों के ऊपर भी। तो लाइक भी जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब भी जरूर करना और बेल आइकॉन पे क्लिक करना, ताकि आगे जाते आपको अलग अलग ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आफ्टर इफेक्ट्स की मिलती रहे। तो वापस स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, मैं जीरो नंबर की फ्रेम के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे जो एंड और स्टार्ट की वैल्यूज है, सबसे पहले यहाँ पे मैं की अप्लाई कर देता हूँ और जो मैप लेयर इसकी अभी हमें जरूरत नहीं उसको हाइड कर देते हम लोग। तो अब क्या ये इफेक्ट तो करने ही वाला है क्योंकि हमने ऐसा मैप उसको अप्लाई कर दिया हमारे इलास्टिक वाले टेक्स्ट के ऊपर, तो अब टेक्स्ट लेयर के ऊपर। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो दोनों पोजीशन है मेरा स्टार्ट एंड एंड, तो सबसे पहले जो मेरा एंड वाला वैल्यू मैं उसको सेट करूंगा यहाँ पे। तो आप देखो मैं कहाँ पे सेट करने वाला हूँ एग्जैक्टली उसको, मुझे जो ये वर्टिकल बार है ना उसमें स्ट्रेच नहीं चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना गाइस, मुझे इसके वर्टिकल बार के अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा के रखा जहां से स्टार्ट होते हैं ना तीन बार निकलना बाहर, उसके बिल्कुल थोड़ा राइट साइड में मैंने उसको सेट करके रखा हुआ है। अब वापस इसको डाउन कर दे। अब जो मेरा एंड वाला है मतलब जो स्टार्ट वाला है इसको मैं यहाँ पे एनिमेट करने वाला हूँ, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे इसका पोजिशन चेंज करेंगे। तो देखो ये एक एक टेक्स के हमें क्या करना है, एक ही टेक्स के ऊपर अप्लाई करना है। दूसरी चीज, जब भी आप इसको यूज करें तो ये ब्लर वाली वैल्यूज आपको नहीं दिखनी चाहिए, हमें शार्प टेक्स्ट दिखना चाहिए। तो देखो बिल्कुल बेटर तरीके से क्या हो गया है, ये जनरेट हो गया। अब देखो मैं जैसे बता रहा था, अगर मैं इसको हल्का सा पीछे लेता हूं तो देखो ऐसी वैल्यूज यहां पे जनरेट होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बिल्कुल भी ऐसी ब्लर की वैल्यू आपको दिखनी नहीं चाहिए, एकदम शार्प वैल्यू। तो प्रॉपर जगह पे इसको बार के प्रॉपर एंड पे और बार के प्रॉपर स्टार्ट पे आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम एक सेकंड पे जंप कर लेते हैं यहां पे। तो मैं यहां पे एक सेकंड पे आ चुका हूं। अब इसको वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने से पहले हमें एक और चीज एनिमेट करनी पड़ेगी, जो है हमारे इलास्टिक के अंदर जो हमने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की डिस्प्लेसमेंट मैप अप्लाई किया और उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की अमाउंट अप्लाई की है उसके ऊपर की अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, इसको एक की दे देता हूं और वापस चले आते हैं जीरो नंबर की के ऊपर। यहां पे भी हम क्या कर देंगे, यहां पे यू प्रेस करते हैं और इसको भी की दे देंगे। अब नेक्स्ट वाली की जो हमने लगाई थी यहां पे उसकी वैल्यूज क्या कर देंगे, यहां पे जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहां पे जीरो हो गया। बट अब अगर आप इसको प्ले करते हो यहां पे, ठीक है ना, तो देखो ये भी मेरा टेक्स्ट भी एल भी मेरा क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, पर मुझे इफेक्ट किसके ऊपर चाहिए, खाली और खाली ई के ऊपर चाहिए। तो अब मुझे क्या करना है, यहां पे आ जाना है और वापस मेरे जो ये नल्स है उसको प्रॉपर बार पे सेट करना है। तो हमारा जो स्टार्ट वाला नल है उसको मैं यहां पे सेट ड्रैग करते हुए लेके जाऊंगा थोड़ा अंदर की तरफ और उसको प्रॉपर जगह पे हम सेट करेंगे ऑलमोस्ट कुछ यहां पे। और सेम चीज हमारा एंड वाला जो नल है उसको भी हम क्या करेंगे प्रॉपर कुछ यहां पे सेट कर लेते हैं। तो अब अगर आप इसका मूवमेंट देखोगे तो देखो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर वो इफेक्ट नहीं कर रहा, ना ही कहीं पे मुझे ब्लर की वैल्यू दिख रही है। अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा पीछे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं कुछ समथिंग लाइक ओवर हियर। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन इफेक्ट को यहां पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहां पे कर देता हूं कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब सारी चीज को हम यहां पे सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या करूंगा मैं यहां पे ग्राफ को एडिट करता हूं। सी गाइस, ग्राफ आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, मुझे एक जेन्युइनली इलास्टिक जैसा इफेक्ट चाहिए, जैसे इलास्टिक को खींचते और वापस एकदम स्क्वॉश होता है, बिल्कुल वैसा ही मुझे इफेक्ट जनरेट करना है। तो मैं बिल्कुल वही चीज करने जा रहा हूं यहाँ पे, मुझे वैसा इस हिसाब से ग्राफ एडिट करना है। बट आप अपने एनिमेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्राफ को एडिट कर सकते हो। तो भाई इतना हो गया। अब क्या कर रहा हूं भाई, जरा इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और थोड़ा पहले क्या करूंगा, इसको थोड़ा मैं अंदर की तरफ लेके आता हूं यहां पे। अब मैं इनको सिलेक्ट करता हूं और ऑल्ट करके ऑलमोस्ट एक सेकेंड पे फिर से एक बार सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे ड्रैग करना शुरू करो, ऑल्ट दबा दो, एक सेकंड पे एनिमेशन में खत्म करता हूं और यहाँ पे मैं एन प्रेस कर देता हूं इसी की के ऊपर। अब अगर इस एनिमेशन को हम प्ले करते हैं गाइस, तो आप देखो कि नल को हाइड कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए कैसे प्ले हो रहा है। तो देखो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारा इलास्टिक का एनिमेशन या स्ट्रेच का एनिमेशन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्ले होते हुए दिख रहा है हमें। लगता है मेरी की गलती से, हाँ देखो की गलती से बाहर चली गई थी। ऑल्ट प्रेस करो और इसको ड्रैग कर लो प्रॉपर, एक सेकंड में मुझे ड्रैग करना था। हाँ यहाँ पे अभी ये सेट हो चुका है और लास्ट की। तो ये साइज देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान में रखते हुए चलनी होगी तभी आपको समझ में आएगा गलती कहाँ पे हो रही है। वापस क्या कर देता हूं, मैं नल को हाइड कर देता हूं और एक बार फिर से प्ले कर लेते हैं। तो अब देखो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, जो बीच में जर्क आ रहा था क्योंकि मेरे एक कीज बाहर चले गए थे स्टार्टिंग वाले, तो प्रॉपरली विदाउट जर्क बहुत ही ब्यूटीफुली लुक में एक एनिमेशन चल रहा है। अब आपको इसको लुक में कंटिन्यू रखना है कुछ, जैसे आप डिस्प्ले के लिए बना रहे हो किसी कंपनी के ब्रांड के डिस्प्ले के लिए बना रहे हो, जो कम से कम 10 सेकंड या 1 सेकंड या सॉरी 1 मिनट तक कंटिन्यू चलता रहे या 15 सेकंड 30 सेकंड तक चलता रहे, तो सिंपल सा फंडा है, आपको बार बार की नहीं देनी है। क्या करोगे आप, मैं खाली एक के ऊपर यहां पे अप्लाई करता हूं, जैसे ऑल्ट कर दो यहां पे और यहां पे ट्रांजिशन टाइप कर दो लूप आउट
और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। यही ट्रांजिशन आपको क्या करना है, जहां जहां पे भी आपने कीज अप्लाई की है ना, वो हर जगह पे क्या करना है आपको अप्लाई कर देना। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ, अब सेम ऑल्ट करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, सेम ऑल्ट करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी करके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब जैसे मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ 5 सेकंड तक एंड तक, अब अगर इसको प्ले करेंगे तो भाई ये कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, जितना लंबा भी रखा होगा, 5 सेकंड हो, 15 सेकंड हो, 50 सेकंड हो या 50 मिनट हो, ये एनिमेशन कंटिन्यूसली बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आपके लिए लूप एक्सप्रेशन भी बहुत ही बेनिफिशियल हो गया। अब इसको चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइप भी कर दूंगा ताकि आपको गलती ना हो। अब जैसे मैंने बताया था कि इसका बेनिफिट क्या है, तो अब बात यह है कि भाई यहां पर ई स्ट्रेच हो रहा है बट उसकी जगह पर मुझे सपोज टी को स्ट्रेच करना है तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे कुछ भी अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर मिडल वाली की के ऊपर आ जाता हूं और जो हमारे नल के जो यहां पे ऑप्शंस थे, तो पहले तो मैं लूप की जो एक्सप्रेशन दी थी वो हटा देता हूं सारी। अब यहां पे जो क्या कर रहा हूं, मेरा जो ये दोनों एक्सप्रेशन से है यहां पे पोजीशन से, उसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो भाई ये नल दोनों रिवील कर लो एक बार पहले, तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला नल भी रिवील कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको शिफ्ट करता हूं, तो यहां पे टी के पास इसको मैंने शिफ्ट कर दिया। भाई इसका बार जहां पे स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे लग रहा है, तो मैं ऑलमोस्ट वहां पे क्या कर रहा हूं, उसका बार मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया। सेम क्या करेंगे, हमारा जो ये वाला बार है उसको भी हम क्या करेंगे, सेट करेंगे कुछ यहां पे। तो आपको क्या करना है, पोजीशंस अपने हिसाब से सेट करनी। तो ये यहां पे कर दिया, अब नेक्स्ट वाली की पे सपोज यहां पे आते हैं तो वापस हमें क्या करना पड़ेगा, उसी टी के पास लेके जाना है। तो करेंगे क्या भाई, चलते हैं, सॉरी सबसे पहले नीचे वाले को लेके चलता हूं मैं यहां पे। तो जो मेरा टी है तो मैंने इसको क्या करना है, बिल्कुल जो बार है वहां पे लेके रखना है मेरे को। सेम चीज अभी ऊपर वाले को भी लेके चलते हैं हम लोग यहां पे। अब देखो टी का जो बार है मुझे उसको ही एडजस्टमेंट में लेना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो थोड़ा और अंदर लेता हूं यहां पे मैं, मेरे को ब्लर वैल्यू नहीं दिखनी चाहिए, वो हमारा सबसे मेन चीज है। अब नीचे वाला जो है मेरा, उसका भी मुझे क्या चाहिए, ब्लर वैल्यू नहीं चाहिए मुझे। तो आपको प्रॉपर एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं पे भी ब्लर की वैल्यू जनरेट नहीं होनी चाहिए। तो देख लो यहां पे प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, मेरा टी स्ट्रेच हो गया है। अब वापस यहां पे चला आता हूं तो क्या करेंगे, इसकी कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देंगे और इसकी भी क्या कर देंगे, कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देंगे और इसको वापस एक बार देख लेते कैसा दिख रहा है दोनों ग्राफ। तो देखो यहां पे ग्राफ थोड़ा चेंज हुआ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यूज यहां पे चेंज कर देनी पड़ेगी। तो यहां पे ग्राफ को वापस एक बार एडिट कर लो प्रॉपर तरीके से। अब प्ले करो, तो अब कौन सा मेरा टेक्स्ट प्ले होगा भाई, तो मेरा टी प्ले हो रहा है विदाउट एनी ब्लर। तो आप देख रहे हो बहुत ही बेटर, कभी भी आप चेंज कर सकते हो, तो एक ये बेनिफिट हुआ। दूसरा चीज, आप जब भी चाहो तो इस वर्ड को चेंज कर सकते हो, जो आप नॉर्मली टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करने के बाद जो पाथ को एनिमेट करके करते तो वहां पे वर्ड चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहां पे इलास्टिक की जगह पे मैं सपोज कर देता हूं एसटी, सॉरी डबल क्लिक करो इसके ऊपर एंड एस टी आर ई टी सी एस स्ट्रेच करना चाहता हूं तो भी मेरा काम करेगा। अभी इसको प्ले करूंगा तो देखो मेरा टेक्स्ट अभी भी इसके अंदर भी हो रहा है बहुत ही बेटर तरीके से। हाँ, अब आपको चाहिए वैल्यूज चेंज करनी है तो यहाँ पे देखो खाली मेरा जो यहाँ पे दिक्कत आ रही, उस दिक्कत को मेरे को कवर करना है कि वो नहीं आनी चाहिए। तो आप नल को वापस एडजस्ट कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो एक ये बेनिफिट हुआ। अब इसके अलावा तो टेक्स्ट के ऊपर तो ये काम हो गया, जबरदस्त बेनिफिट, मल्टीपर्पज हो गया, कंस्ट्रक्टिव मेथड हो गया। अब दूसरे मेरे अंदर दिखाता हूं मैं, यहां पे चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर। सी गाइस, आपको समझना होगा कि काम कैसे हो रहा है। तो यहां पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर मेरे पास एक ऑलरेडी रेडी कॉम्प है, तो यहां पे मैं ओपन करता हूं उसको मेरा। यस, दिस इज द बॉस। ये मैंने बनाया था एक कंपनी के लिए जो फेमिनिज्म के, मतलब जो फालतू का फेमिनिज्म अभी आज के डेट में सोशल मीडिया पे चल रहा है, बस न्यूडिटी चल रहा है नॉर्मली, या फिर जस्ट लाइक अभी मुझे उसके ऊपर नहीं जाना है। बट यहाँ पे हमने डाला था, अगर इसको प्ले करता हूं तो आप देखो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या है, फेमिनिज्म ऑन सोशल मीडिया। सो व्हाट वी हैव डन, द कंपनी हैज डन ओवर हियर, कि यहाँ पे दिख क्या रहा है आपका मेन चीज है, टू बॉल्स आर कंटिन्यूअसली गेटिंग जंप ओवर हियर। आप देख रहे हो बहुत ही बेटर तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे जंप। तो इसको भी मैंने जो जनरेट किया है बिल्कुल सेम तरीके से स्ट्रेच इफेक्ट पर, यहाँ पे मैंने वर्टिकली क्या किया था, जैसे हमने हॉरिजॉन्टली रैंप को अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने वर्टिकली रैंप को अप्लाई किया हुआ है। सो एक अनदर चीज हो गया। सो आप इसको अपने हमेशा प्रोजेक्ट के, तो गाइस मैं जब भी कोई चीज क्रिएट करता हूं, ठीक है ना, उसका कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। यहाँ पे भी मैंने आगे नाम रखा था हमारे अंदर इलास्टिक जो पहला था, ठीक है ना। रीजन क्या था भाई, नॉर्मली जो भी कपड़े भी हम ज्यादातर पहनते
कहते हैं इलास्टिक की फैशन है, जल्दी से उतार, तो कुछ ऐसे ब्रांड के लिए भी आप यूज कर सकते हो ऐसे वर्ड को, तो वो ब्रांड भी आपको चूज करेगा। तो जब भी कुछ क्रिएट करते हो उसका आउटपुट हमेशा प्रोफेशनल वे पे दिखना चाहिए, प्रोफेशनल्स को समझ में आना चाहिए। उसके बाद एक और था, तो यहाँ पे आप देखो मैंने इमेज को भी क्या किया है, सेम तरीके से यहाँ पे इमेज को भी हमने स्ट्रेच किया है। तो इसको भी मैंने यूज किया था, मतलब नॉट दिस इमेज बट इस आइडिया को भी मैंने यूज किया है एक ब्रांड के प्रमोशन के लिए, जहां पे बहुत ही बेटर तरीके से क्या कहते हैं, इट इज अ बिग बार्बर शॉप ओवर इन फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो वहां पे अलग अलग हेयरस्टाइल को डिस्प्ले करने के लिए इस इफेक्ट को मैंने यूज किया था। सो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर पहले तो ये जानकारी मिली कि आप इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हो, कहां कहां यूज कर सकते हो, प्लस ये कैसे आपके लिए बेटर है अदर जो आप इफेक्ट आज तक यूज करने आए हो चीजों को स्ट्रेच करने के लिए, तो इससे फार फार बेटर है। अगर आप रैम को क्रॉस भी रखोगे तो भी आपको बहुत डिफरेंट इफेक्ट्स मिलेगी गाइस। सो लाइक जरूर कर देना, अगेन सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट में जरूर लिखना कि आपको कैसे मेरे ट्यूटोरियल फॉर यूजफुल साबित हो रहे हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, हैव अ नाइस टाइम एंड गुड बाय गाइस।